सोमवार को अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने अचानक शरद पवार की भेंट ली। इसके बाद छगन भुजबल ने पत्र परिषद ली, जिसमें उन्होंने मराठा और ओबीसी मुद्दे पर भेंट लेने की बात कही है। इस पर महाराष्ट्र के विरोधी दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि छगन भुजबल मराठा बनाम ओबीसी विवाद को सुलझाना चाहते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री गृह मंत्री इस विवाद को रोकने में विफल रहे हैं? ओबीसी आंदोलन में भुजबल के बयान ने विवाद सुलझने का काम किया या विवाद बढ़ाने का? यह पूरी तरह झूठ है कि पवार साहब की चेतावनी के बाद विपक्ष सर्वदलीय बैठक में नहीं गया है। छगन भुजबल जी ने जो शरद पवार जी के तरफ अंगुली निर्देश करके उंगली बताकर यह दिखाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में ओबीसी के हित में केवल मैं ही काम करता हूं और बाकी सब झगड़े लगाते, और उनमें उन्होंने मेरा भी नाम उसमें लिया। मैं ये बताना चाहूंगा भुजबल साहब को, हमें किसी का फोन नहीं आया था, सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार में वो है, संविधानिक पद पर वो है, और वो जाते हैं जब ओबीसी के बैठक में, तो ओबीसी के कार्यक्रम में या अनशन समाप्त करने के लिए, तो भाषा क्या होनी चाहिए? यह अगर ये ओबीसी का झगड़ा दिखाकर भाजपा के इशारा पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये भाषा आजकल भुजबल साहब की चल रही है। अगर आज शरद पवार साहब का एज ध्यान में रखते हुए, क्या महाराष्ट्र सरकार नाकामयाब है? मराठा और ओबीसी, मराठा वर्सेस ओबीसी जो झगड़ा सुलग गया है, लगा हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पवार साहब जिम्मेदार है? क्या विजय वडेट्टीवार जिम्मेदार है? सरकार करके जिम्मेदारी नहीं, ये नाकाम सरकार है, ऐसा हम समझे कि इनकी क्षमता नहीं है, इनके आपस में टकराव में ये दोनों समाज आमने सामने हो गए और आपस में लड़ा कर रोटी सेकने का काम इनका है, तो ये बेतुकी बातें भुजबल साहब को शोभा नहीं देती।